पकड़ा नहीं, लेकिन जो हाथ में है वो कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिम्मत दे, सब्र दे और हौसला इनका बुलंद रखे। हमारी तैयारियों और इनकी तैयारियों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का लेटर है आपके सामने। इसने इजराइल से तुरंत प्रभाव से एक्सेस मांगा है कि हमें गजा में जाने की परमिशन दी जाए। उधर आयरलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि आज गजा में जंग हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, ये इंसानियत की जंग। पूरी तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में आयरलैंड का एमपी उतर आया है। It's so important that we don't stop talking about Palestine. Palestine, Gaza, was a very different place before October 7th. The oppression had been going on for 75 years, but the Western powers were silent. They were okay with the oppression that was taking place. They were okay with the Central Colonial Project that had started themselves back in 48 and earlier. So it's no shock that they're actually okay now with the Israeli regime wiping out the hospitals, wiping out the housing, wiping out the infrastructure. उधर वर्ल्ड सेंटर किचन के डायरेक्टर ने कहा कि पिछले 6 महीने से इसराइल जबरदस्ती की जंग लड़ रहा है, वो जंग नहीं इंसानियत के खिलाफ किया जाने वाला गुनाह। फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में इसराइल के खिलाफ जॉर्डन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं।